अस्सलाम वालेकुम गाइस, बखैर आगले, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अवैस खान और मेरे साथ वकार सर कड़ी शो आए हुए हैं अलीज बर्गर के पास। एक नई वैरायटी का बर्गर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें पिज्जा जिंगर बर्गर, यानी पिज्जा भी है जिंगर भी और बर्गर भी। तो हमने उसको एक्सप्लोर करना है और आज हम उसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा टेस्ट है और आपको बताएंगे, आपने जरूर टेस्ट करना है जो है ना, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो फिर चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीज के ओनर के साथ खड़ा हूँ। तो हमने इनको कैचअप किया, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला उन्होंने, तो कुछ सवालात उनसे करने हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। सर हम आपके शो पे आए हैं, तो हमने जो है ना आपसे कुछ पूछना है कि ये काम आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, क्या ज़हन में आया कि आपने इतना बड़ा माशाल्लाह ये काम खोला और कैसे चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन इस फील्ड में 12 साल हो चुके हैं, मगर जो पिज्जा बर्गर की जो हमने वैरायटी स्टार्ट की है वो तकरीबन हमें हो चुके हैं 5 साल में। हमने ये लाहौर के अंदर एक अलग से ट्रेंड लेके आए कि पिज्जा बर्गर लोग ताकि 2-in-1 टेस्ट कर सकें, उन्हें प्रॉपर एक चीज के अंदर पिज्जे का भी टेस्ट आए और बर्गर की भी वैरायटी मिल जाए। इस टाइम हमारे पास जो बर्गर की वैरायटीज में पिज्जा बर्गर में ऑलमोस्ट 5 से 6 किस्म की वैरायटीज हैं। सही, कौन कौन से इसमें है? इसमें हमारे पास जिंगर में पिज्जा बर्गर आ जाता है, उसके बाद एक ग्रिल में पिज्जा बर्गर अभी हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद हमने रिसेंटली अभी सर्दियों में फिश जिंगर पिज्जा बर्गर भी स्टार्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास डबल जिंगर में भी पिज्जा बर्गर आ जाए, फिर इनकी साइजेस के लिहाज से डबल ट्रिपल और इस तरह ये हमारे फेम में है। सही है, जबरदस्त। हमने यहाँ पे टेस्ट किया पिज्जा बर्गर और हमने पिज्जा भी टेस्ट किया हुआ है, तो ये जो है ना कैसे, यानी कि आपके ज़हन में है कि ये पिज्जा बर्गर? हमने देखा कि लोग पिज्जा जो है ना करते हैं वो उसके ऊपर सिर्फ टॉपिंग कर लेते हैं, तो आपने बकायदा एक छोटा साइज का पिज्जा रखा हुआ है, तो ये कैसे, यानी कि आपने सोचा कि इसको हम लाएं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जब हमने बर्गर का स्टार्ट किया था तो हमने सोचा कि बर्गर एक सिंपल आइटम होती है, अगर हम इसके ऊपर पिज्जे को लेके जाएं तो पिज्जा एक प्रॉपर होना चाहिए जो कि वाकई रियली पिज्जा कहलाए, ये ना हो कि हम बर्गर के नीचे वाले हिस्से को टॉम के ऊपर टॉपिंग करें और उसे यूटिलाइज कर दें। हमने इसके लिए एक अलग से सांचे बनाए, उन सांचों के जरिए हमने पिज्जे की प्रॉपर टॉपिंग एक रियल पिज्जे की तरह जो कि प्रॉपर एक पिज्जा जाता है स्मॉल, हमने 5 इंचेस में इसकी टॉपिंग करके उसका टॉप ऊपर लिखा है जिसकी वजह ये फ्रेम में जाए। स्मॉल साइज प्लेट ली हुई, यानी कि आपने जो पिज्जे के लिए प्लेट होती है वो आपने ऑर्डर पे तैयार करवाई होगी? जी बिल्कुल, इसके पैन्स हैं 5 इंचेस के जो हमने ऑर्डर के ऊपर स्पेशली तैयार करवाए हैं, जिनके अंदर ये पिज्जा प्रॉपर रेडी होकर बर्गर के ऊपर लगता है और बर्गर का भी ऑलमोस्ट साइज जो है वो 5 इंचेस राउंड में बड़ा बर्गर है मैक्रॉइल। तो इसमें जो डबल डेकर भी होते हैं यानी कि वो तो काफी मॉन्स्टर साइज बर्गर हो जाते हैं, उसके लिए तो अपने आप को गंदा करना पड़ता है। जी बिल्कुल इसी तरह डेफिनेटली, लेकिन लोग जो है वो पसंद करते हैं एक बड़ी चीज, और लड़के जो होते हैं मोस्टली खासतौर पर लड़के जब ग्रुपिंग में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि एक बड़ा बर्गर मिले ताकि हम अपने यार दोस्त बैठे हों तो इंजॉयमेंट करें, शुगल करें उनके साथ, मुंह भी गंदा हो, थोड़े हाथ भी गंदे हो और वो उस तरह उस चीज को पूरा एंजॉय करें। फिर उसमें हमने ट्रिपल साइज में डबल साइज में इनके साथ डीले निकाली हुई है कि एक बर्गर के साथ दूसरे बर्गर के ऊपर 100-150 रुपीज, सेकंड बर्गर की 85 पे डिस्काउंट रखा हुआ है। सही, यानी कि वो चैलेंजेस वगैरह करके वो आपस में लोग जो है ना इसको मुंह गंदा करें जो भी हो तो वो एंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमने ये चीज नोट की है कि आप यहाँ पे खुद आते हैं एज अ ओनर, आप इसका सारा कुछ जो है ना हिसाब किताब अपना खुद मेंटेन रखते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है माशाल्लाह। आपको बताता चलूं कि इस साथ जब स्टार्ट करते हैं तो माशाल्लाह तिलावत कुरान पाक से अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी तिलावत होती है उसके बाद क्लोजिंग भी जो है ना अल्लाह के नाम पे क्लोजिंग करते हैं, सारा हिसाब किताब खुद करते हैं, खुद टाइम देते हैं, तो ये बहुत एक इनिशिएटिव है, एक ऐसा बिजनेसमैन खुद होना चाहिए, किसी को रखा नहीं हुआ इन्होंने। तो हम साथ आपको टेस्ट, यानी कि हम टेस्ट भी करेंगे इस चीज को और दिखाएंगे भी आपको। जी तो ये हमारा ऑर्डर आ गया है और हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। ये बर्गर आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही शानदार किस्म के जो ना ये बर्गर है, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको बताया था पिज़्ज़ा जिंगर बर्गर है पूरा, तो इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कितना अच्छा है इसका टेस्ट। चलो बिस्मिल्लाह, ये तो हाथ भी गंदे करेगा, इससे हाथ और मुंह दोनों गंदे होंगे। चल भाई, टू मच जूसी स्पाइसी, कमाल का टेस्ट। आप भी बताओ भाई कैसा लगा आपको?
पिज़्ज़ा जिंगर बर्गर विथ जिंगर कमाल टेस्ट। चीज़ वाले भी हैं, डबल डेकर हैं, सिंगल में मुंह गंदा हो रहा था, आप सोचो डबल में क्या हिसाब होगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। तो यहीं पे अपनी वीडियो का इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमारी वीडियो को देखने लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी करना है। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।